ऊपर हरा और अंदर लाल, अमूमन तरबूज खाने से पहले आप यही रंग देखते हैं, पर आज हम आपको पीला तरबूज दिखाने वाले हैं। ये कमाल का तरबूज गोला प्रखंड के एक किसान ने उगाया है, देखिए ये रिपोर्ट। आपने लाल तरबूज तो सुना होगा, पर गोला प्रखंड के चोखड़बेड़ा गांव के किसान राजेंद्र बेदिया ने पीला तरबूज उगाकर यहां के लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया है। भले ही ये आपके लिए अचरज भरा हो, पर ये कमाल ताइवान से ऑनलाइन मंगाए गए बीज का है। बीज जो है हम बीघाट से मंगाए थे, ऑनलाइन मंगाए थे। ये ताइवान का चुकी है सीड से, और हम ऑनलाइन सर्च करके देखे थे कि हमको पीला तरबूज दिखा, तो हमने कोशिश की कि हम ये तरबूज हम लगाएंगे अपने खेत बाड़ी में, और अभी हम लगाए हैं, जो माल अभी पूरा तैयार हो गया। पीले तरबूज के स्वाद की भी लोग तारीफ कर रहे हैं, पर उनका कहना है कि अगर इस स्वादिष्ट तरबूज में थोड़ी सहायता सरकार की तरफ से भी मिले तो उनकी किस्मत सवर जाए। पीला तरबूज खाने में बहुत अच्छा लगता है और बहुत ही स्वादिष्ट लगता है, और देखने में भी अच्छा लगता है, खाने में भी अच्छा लगता है, और इसके बारे में हम लोग को भी चाहिए, अच्छा लग रहा है। पीला तरबूज बाहर से मंगाए हैं ऑनलाइन से, और खाने में बहुत अच्छा लगता है, स्वादिष्ट भी लगता है, और हम खुद खा के देखे हैं, और खाने के बाद हमको महसूस हुआ कि ये तो अजब ही तरीका का तरबूज है, बहुत अच्छा लगता है खाने के लिए। रामगढ़ का गोला प्रखंड कृषि बहुल इलाका है, यहाँ के किसानों की पैदावार की चर्चे इजराइल तक हैं, पर जरूरत है ऐसे इनोवेटिव किसानों को बढ़ावा देने की। न्यूज़ 11 भारत के लिए गोला से प्रिंस वर्मा की रिपोर्ट।